हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ जेकोबियन। और जेकोबियन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्टूडेंट्स के काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहा है सर इस टॉपिक पे वीडियोस अपलोड करिए। सो मैं अब लेके आया हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं जेकोबियन पे 3 से 4 वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं अलग अलग टॉपिक डिस्कस करूँ, लाइक जेकोबियन होता क्या, कैसे हम इसको निकालते हैं, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लस इसके ऊपर कुछ कंसेप्ट हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, इससे पहले मेरे जो भी वीडियोज़ हैं वो आप यहाँ पर आईटीए पे जो प्लेलिस्ट है उस पर आप देख सकते हैं और मैंने काफ़ी सारे कंटेंट को कवर किया है जो बीएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और गेट एग्जाम्स को लेके और आईआईटी जेएम से लेके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और स्टूडेंट, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जो मेरा वीडियो है आप इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ सो देट कि उनको भी बेनिफिट मिले और आप बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल सब्सक्राइब कर लें सो देट कि जो मेरे आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो स्टूडेंट, जेकोबियन होता क्या है? देखिए आप, जेकोबियन के बारे में ये है कि इफ़ यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस है ना, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, इसका जो डिटर्मिनेंट होता है दिस इज कॉल्ड जेकोबियन ऑफ यू एंड वी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। और इसको इससे डिनोट किया जाता है ना, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, या फिर इसको जेकोबियन यू वी अपॉन एक्स वाई। और सिमिलरली द जेकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, मतलब तीन वेरिएबल का है, तीन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड, फिर वी का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में, फिर डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में। इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होगी, जेकोबियन की वैल्यू होती है, राइट। अब क्वेश्चन देखिए आप, इफ एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द जेकोबियन डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। तो स्टूडेंट देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों की वैल्यू नहीं, इसकी भी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं आपको एक एक की वैल्यू बताता हूँ। सबसे पहले अगर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा, तो स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर एंड डेल वाई अपॉन डेल थीटा, ये इसकी वैल्यू होती है। और सिमिलरली अगर हमें ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आर थीटा अपॉन डेल एक्स कोमा वाई, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल वाई, ये थोड़ा समझने की जरूरत है ना। जो ऊपर वाला होता है ना वो आर आर आएगा, देन एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, देन थीटा थीटा आएगा, देन एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में। सेम यहाँ पे अगर एक्स वाई तो एक्स एक्स और वाई वाई आएगा, देन आर और थीटा के रेस्पेक्ट में आएगा, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, है ना, तो स्टूडेंट एक्स को आर के रेस्पेक्ट में, ये एक्स इसका आर के रेस्पेक्ट में करेंगे, कितना आएगा डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा आएगा, आर का वन हो जाएगा, है ना। देन वाई को भी हम सॉरी एक्स को हम थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो इसका थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस का कितना होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, राइट। नाउ वाई को आर के रेस्पेक्ट में, जैसे वाई का आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ये साइन थीटा। देन वाई को थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कितना आएगा, आर कॉस थीटा। नाउ इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे स्टूडेंट, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस करेंगे तो ये आएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट आर को कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू आर। तो इस तरह से इसकी वैल्यू निकालते हैं, राइट। पर अगर हमें ये पूछ लिया जाए कि डेल आर बाय डेल थीटा डेल एक्स बाय डेल वाई, तो इसकी वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि हमें आर और थीटा की फॉर्म में चाहिए, अभी हमें एक्स और वाई की फॉर्म में दे रखा है ना, तो हमें आर और थीटा की फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, मैं थोड़ा बता दूं, इन दोनों को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे जोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, आर से आर कैंसिल हो जाएगा टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। किस तरह से निकालते हैं मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर को एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे, राइट। तो आर को एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आर है, इसको हम एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं तो मुझे जगह बनानी पड़ेगी, मैं इसको पहले बता ही देता हूँ आपको, मैं फिर से बताता हूँ स्टूडेंट, ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, इसके बाद मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ कैसे हम सेकंड वाला पार्ट को प्रूव करेंगे। सो स्टूडेंट ये वाला तो मैंने आपको बता दिया कैसे करेंगे, वो वाला जो पोर्शन को करने के लिए मुझे थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको, इन दोनों को स्क्वायर करिए और ऐड करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एंड देन मैं अगर इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो ये डिवाइड करेंगे तो वाई बाय एक्स करेंगे तो ये आएगा आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, आर से आर कैंसिल, देन टेन थीटा की वैल्यू होगी वाई बाय एक्स, देन थीटा की वैल्यू होगी टेन इनवर्स वाई बाय एक्स,
स्टूडेंट हमें ये वैल्यू चाहिए डेल आर बाय डेल एक्स और डेल आर बाय डेल वाई, इन सब की वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू निकालने के लिए आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम आर को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा 2x, इसका 0 हो गया, ये हो गया बराबर 2r डेल आर बाय डेल एक्स। सो डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू ये आर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा x बाय आर। नाउ डेल आर बाय डेल वाई की वैल्यू होगी y बाय आर, ये भी आप रख लीजिए, काम आने वाला है अपने को। नाउ इसी टाइप से इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, और मैं आपको बता दूं अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो स्टूडेंट यहाँ आई टेब है, यहाँ पे मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन पे वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप जरूर वहाँ से देख लें और आपको समझ में आ जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। राइट, नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ इसका एक्स कैल्सियम करेंगे तो वन अपॉन एक्स होगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ इसका एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू आएगी। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेल थीटा बाय डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आएगा वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वाई का हो जाएगा वन, और इसका हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। नाउ ये वैल्यू उठा के वहाँ रखेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, देखिए आप लोग डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स बाई आर, ये होगी हमारे पास वाई बाई आर, देन यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, माइनस का वाई अपॉन, और मैं आपको बता दूं ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, आर स्क्वायर, तो रख ही दो इसको यहाँ पे माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ ये एक्स अपॉन आर स्क्वायर, तो कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आर स्क्वायर, और ये होगा हमारे पास एक्स अपॉन आर स्क्वायर। नाउ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम सॉरी डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो दिस इंटू दिस, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और माइनस दिस इंटू दिस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, देन हम इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है आर स्क्वायर होता है, देन यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी वन अपॉन आर आएगी, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा वन अपॉन आर आएगा, और इसका वैल्यू कितना आएगा आर आएगा। अब मैं आपको जो नेक्स्ट वाला वीडियो लेने वाला हूँ जहाँ पे मैं प्रॉपर्टी सिखाऊंगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन को खाली ये निकालने की जरूरत है वो तो अपने आप आ जाएगा, तो क्या होता है मैं आपको थोड़ा प्रॉपर्टी समझा देता हूँ है ना, ताकि वो आगे मैं बताने वाला हूँ, बट जस्ट अब ज्ञान दे देता हूँ कि डेल आर डेल थीटा इंटू डेल आर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स कोमा वाई की वैल्यू किसके बराबर होती है वन के बराबर होती है। राइट, अगर हमारे को इसकी वैल्यू मिल गई है ना, हमने सॉल्व किया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आर, ये वैल्यू आर उठा के हम यहाँ रखेंगे तो आर इंटू डेल आर कोमा थीटा इंटू डेल एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू वन, तो ये आर डिवाइड करेंगे तो ये आर कोमा थीटा इंटू डेल एक्स कोमा वाई, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी वन अपॉन आर आएगी, तो वही आएगा जो हमने सॉल्व किया। बट ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, प्रॉपर्टी पे वीडियोस में आपको नेक्स्ट में लेने वाला हूँ जहाँ आपको समझ में आएगा। सो दो तीन क्वेश्चन और देखते हैं फिर इसको खत्म करते हैं। सो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, आपको ये दे रखा है यू वन इज इक्वल टू एक्स टू एक्स थ्री अपॉन एक्स वन, यू टू इज इक्वल टू एक्स थ्री एक्स वन अपॉन एक्स टू यू टू, एंड यू थ्री इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू अपॉन एक्स थ्री, और आपको प्रूव करना है कि डेल यू वन यू टू यू थ्री अपॉन डेल एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज इक्वल टू फोर, मतलब आपको इसका जेकोबियन फोर प्रूव करना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ देखिए आप लोग u1, u2, u3 अपॉन डेल x1, x2, x3, तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, u1 को x1 के रेस्पेक्ट करो, u1 को x2 के रेस्पेक्ट करो, u1 को x3 के रेस्पेक्ट में करो, फिर u2 को x1 के रेस्पेक्ट में करो, u2 को x2 के रेस्पेक्ट में करो, देन u2 को x3 के रेस्पेक्ट में करो, फिर u3 को x1 के रेस्पेक्ट करो, u3 को x2 के रेस्पेक्ट में करो, u3 को x3 के रेस्पेक्ट करो, ये हमारा फार्मूला, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 4 आना चाहिए। राइट, तो क्या करेंगे देखो मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट, u1 का x के रेस्पेक्ट x1 के रेस्पेक्ट में, तो स्टूडेंट ये u1 इसका x1 के रेस्पेक्ट करेंगे तो 1 अपॉन x1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस का 1 अपॉन माइनस का वन अपॉन एक्स वन स्क्वायर, तो ये माइनस आ जाएगा आगे। राइट, नाउ यू वन का एक्स टू के रेस्पेक्ट में, तो एक्स टू के रेस्पेक्ट करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट एक्स टू का वन हो जाएगा। नाउ यू वन का एक्स थ्री के रेस्पेक्ट में, तो एक्स थ्री का वन हो जाएगा, बचेगा कितना एक्स टू अपॉन एक्स वन। सिमिलरली यू टू का करेंगे एक्स वन के रेस्पेक्ट में कितना आएगा एक्स थ्री अपॉन एक्स टू। नाउ एक्स टू के रेस्पेक्ट करेंगे वन अपॉन एक्स टू का कितना होगा माइनस का एक्स थ्री एक्स वन अपॉन एक्स टू स्क्वायर। नाउ इसका एक्स थ्री के रेस्पेक्ट करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट एक्स वन अपॉन
एक्स टू आएगा, राइट। नाउ सिमिलरली इसी टाइप से हम यहाँ बात करेंगे तो इसको हम एक्स वन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा एक्स टू अपॉन एक्स थ्री। नाउ इसको एक्स टू के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आएगा एक्स वन अपॉन एक्स थ्री। नाउ इसको करेंगे तो एक्स वन एक्स टू अपॉन माइनस का एक्स थ्री स्क्वायर, राइट। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो देखिए आप नीचे से ये जो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये तो कुछ कॉमन आ रहा है आपके पास वैल्यू, तो इन वैल्यूज़ को हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, कॉमन निकालेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कॉमन निकालता हूँ मैं यहाँ पे, सबसे पहले एक्स वन वन अपॉन एक्स वन स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ, राइट। तो वन अपॉन एक्स वन स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ इस फर्स्ट वाली लाइन में से, है ना। तो यहाँ से एक्स वन स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा एक्स टू एक्स थ्री। अब यहाँ से मैं एक्स वन स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ तो स्टूडेंट अगर एक्स वन स्क्वायर मुझे करना है तो ऊपर नीचे एक्स वन से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो एक्स वन स्क्वायर तभी कॉमन आएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा ये एक्स थ्री एक्स वन बचेगा। सिमिलरली यहाँ से मुझे स्क्वायर कॉमन निकालना तो ये एक्स वन और एक्स वन क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा आपके पास ये एक्स टू एक्स वन, ठीक है। इसी टाइप से आप नेक्स्ट वाली जो रो है इसमें से एक्स टू स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, है ना। ये तो मैंने खाली आपको नॉलेज के लिए बताया था, है ना, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। तो यहाँ से आएगा ये एक्स थ्री एक्स टू, नाउ ये आएगा आपके पास माइनस का एक्स थ्री एक्स वन, देन ये आएगा आपके पास एक्स वन एक्स टू, है ना। एक्स टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक्स वन एक्स टू आएगा, राइट। यहाँ से एक्स थ्री स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, है ना, तो ये हमारे पास आएगा एक्स टू एक्स थ्री देन एक्स वन एक्स थ्री देन माइनस का एक्स वन एक्स टू आएगा, राइट। अब आप देखिए स्टूडेंट क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, देखो इस वाली जो रो है इस वाली में क्या कॉमन आ रहा है, देखो इस वाली पूरी कॉलम में एक्स टू एक्स थ्री कॉमन आ रहा है ना, यहाँ से पूरे वाले कॉलम में एक्स थ्री एक्स वन कॉमन आ रहा है और इस वाले कॉलम में एक्स टू एक्स वन कॉमन आने वाला है ना, तो इसको कॉमन लेंगे हम, है ना। तो वही डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कॉमन लेंगे अपन, तो ये आएगा एक्स वन एक्स थ्री, है ना, फर्स्ट वाले में एक्स टू एक्स थ्री सॉरी, और इसमें से आएगा आपके पास एक्स वन एक्स थ्री और यहाँ से आपके पास आएगा एक्स वन एक्स टू इस कॉलम से, राइट। और नीचे तो क्या है आपके पास एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर एक्स थ्री स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास बचा माइनस वन 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 माइनस वन 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 एंड माइनस वन। तो स्टूडेंट क्या होने वाला, देखो आप यहाँ पे ये एक्स वन स्क्वायर हो रहा है एक्स टू स्क्वायर और एक्स थ्री, तो ये टर्म से ये टर्म पूरी क्या होगी, कैंसिल होगी। नाउ माइनस वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन, स्टूडेंट यहाँ पे हम इसका डिटरमिनेंट का कांसेप्ट लगाएंगे तो इन दोनों को जीरो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, है ना। और स्टूडेंट अगर आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रही तो मेरा रैंक ऑफ मैट्रिक्स का वीडियो यहाँ आई टैब में आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इसकी हेल्प से जीरो बनाएंगे, तो ये आर टू को बना रहे हैं तो क्या करेंगे आर टू प्लस आर वन करेंगे, और आर थ्री है तो क्या करेंगे हम आर थ्री प्लस आर वन करेंगे, क्लियर है। तो ये क्या होगा माइनस वन वन वन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा जीरो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो। नाउ इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा स्टूडेंट, माइनस वन देन जीरो टू टू जीरो आ जाएगा, बाकी तो सब जीरो जीरो हो जाएगा, एंड इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा जीरो माइनस फोर दैट इज इक्वल टू फोर। तो इस तरह से इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन लूंगा इसके बाद फिर इसको खत्म करते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखिए आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाई, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, यह आएगा सबसे पहले एक्स को हम आर के रेस्पेक्ट करेंगे, एक्स को हम थीटा के रेस्पेक्ट करेंगे, एक्स को अपन फाई के रेस्पेक्ट करेंगे, फिर एक्स वाई को अपन थीटा के रेस्पेक्ट करेंगे, वाई को अपन सॉरी आर के रेस्पेक्ट में, फिर थीटा के रेस्पेक्ट में, फिर वाई को हम फाई के रेस्पेक्ट करेंगे, फिर जेड को हम आर के रेस्पेक्ट करेंगे, जेड को हम थीटा के रेस्पेक्ट करेंगे और जेड को अपन फाई के रेस्पेक्ट करेंगे, राइट। तो इसकी वैल्यू मैं बता ही देता हूँ कितना है स्टूडेंट, देखो एक्स को आर के रेस्पेक्ट में, इसको आर के रेस्पेक्ट करेंगे तो आर का हो गया वन, बचेगा आपके पास साइन थीटा कॉस फाई। नाउ एक्स को थीटा के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आएगा आर कॉस थीटा कॉस फाई, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको। नाउ इसको थीटा को फाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आएगा आर साइन थीटा माइनस का साइन फाई आएगा। नाउ वाई है, वाई को आर के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा साइन फाई, देन वाई को थीटा के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आएगा आर कॉस थीटा साइन फाई, देन y को फाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आएगा r साइन थीटा कॉस फाई, देन z को हम r के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आएगा कॉस थीटा, z को थीटा के रेस्पेक्ट करेंगे तो माइनस का r साइन थीटा और इसको फाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो जीरो आएगा, राइट। नाउ हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आएगा साइन थीटा कॉस फाई इज इक्वल टू दिस इंटू दिस तो ये जीरो, माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई माइनस आर
cos theta cos phi. Now this into this 0 minus this into this to r sin theta cos phi. Now plus ये आएगा आपके पास माइनस का r sin theta sin phi and then this into this तो ये आएगा माइनस का r sin square theta sin phi माइनस दिस इंटू दिस तो माइनस करेंगे यहाँ पे तो ये आएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई. स्टूडेंट मेरे पास सिंप्लीफाई करने का टाइम नहीं है, मैं सीधा बता रहा हूँ इसको. आप जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, इसकी वैल्यू आएगी इसको सिंप्लीफाई करने पर और ये इसका आंसर आएगा. तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, कोई भी डाउट होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, जेकोबियन पे जो नेक्स्ट मैं वीडियो लेने वाला हूँ वो प्रॉपर्टी बेस्ड वीडियो है. उसके बाद एक और है जो इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे मैं दो वीडियो और लेने वाला हूँ. देन उसके बाद फिर अगले टॉपिक पढ़ेंगे एनवेलप और इवैल्यूएट्स पे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. और स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट कि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे. थैंक यू सो मच.